You know, Divya, we have been watching you on the big screen since a long time. You know, ये जो journey जो start हुई है, ये शुरुआत हुई है. Different films, your different kind of characters we have been watching. किस तरह से relate करती हैं आप as an actress to all these things? You know, the change in your life on the big screen. I feel it's a good metamorphosis for me to kind of find different roles and then become them for a while. I think it's living somebody else's life when you take on a role. Like I became Isri for a while, or I've now become Kavita for Fanne. So you live that life for a brief time, and then your actors are your family or your friends, and that's how it becomes. So you kind of put yourself in that for that brief period, and then just let yourself flow. So it's great to live all these lives, all these different people, very big variety of people who look different, who feel different, who react different. And when you look back, you feel it's been a beautiful journey. जब शुरुआत की थी आपने in the industry and also the modeling career, कुछ सोचा था आपने कि मतलब इस तरह से evolution आएगा in the life of Divya Dutt? ऐसे कुछ ऐसा evolution होगा तो नहीं सोचा था. I think इतना plan करके life नहीं की. जो जो चीज़ें हाथ में आईं, जो opportunities उस वक्त मिली उन्हें use किया, जो नहीं मिली उन्हें खुद बनाया. That's it. I think I never had any sugar daddies to help me out. So I made my own rasta. So it feels good कि आपका रास्ता खुद का चुना हुआ है और I mean you've made it on your own. Okay, Divya, हमेशा जो भी किरदार आपने निभाए हैं, you know, with very honesty I'm saying this, surprise करती हैं आप. बाबू मोशाय बंदूकबाज की बात करें, उस डायलेक्ट की बात करें, या भाग मिल्खा भाग की बात करें, वो मासूमियत नजर आती है जब आप कोट पहनती हैं, जब आप जेब में हाथ डालती हैं कि भाई अब उठी लाए, I'm getting goose bumps. This is how you perform, you know, you always surprise us. See, it is everywhere. So वो उसके लिए कितनी डिटेल स्टडी करती हैं कि हाँ ये लहजा और ये बहुत रियल स्पेस में लगे सब कुछ. देखिए, मैं ऑनेस्ट कन्फेशन करती हूँ कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, एक्टर हूँ नहीं, मेथड एक्टिंग आती नहीं मुझे, लेकिन जो फील करती हूँ बहुत जेन्युइनली करती हूँ, दिल से करती हूँ, और वो बड़ा ज़रूरी है. तो जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे एक्टिंग का वो कॉन्सेप्ट एक्टिंग लगता ही नहीं, मुझे लगता है आप किसी की ज़िंदगी ले लेते हैं और कहते हैं ये मैं आपकी ज़िंदगी कुछ वक्त के लिए जीने वाली हूँ. अब जैसे बाबू मोशाय के लिए मैं गई तो काफ़ी कट टू कट गई थी, मतलब मेरी शूटिंग कल थी और मैं आज पहुँची. आइडियली मुझे 3-4 दिन पहले पहुंचना चाहिए था ताकि मैं वो एक्सेंट पकड़ पाती. तो जैसे ही मैं कार में बैठी तो मेरा ड्राइवर को मैंने कहा कि भाई बात करनी शुरू करो तुम मुझसे. तो ही वॉज लाइक ये तो बात कर रही है मुझसे. तो मैंने कहा नहीं, तुम लगे रहो, तुम बस बोलते रहो. ही वॉज वेरी सरप्राइज, ऐसे बस अपने बारे में सुनाओ, ये गप्पे मारो, वो मारो. वो जो बोलता गया उसके लखनवी बोलने का तरीका मैं पकड़ती गई. आई थिंक आप जब किसी को बहुत बात करते हुए सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जहन में बैठ जाता है. सो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट रोल. वो कहीं बैठ गया, फिर जब लाइन्स आई तो उसी की तरह बोला. सो दैट हैपेंड. मिल्खा, आई थिंक अगेन आई पुट माई सेल्फ इन इसरी शूज. मैं इसरी एक और जैसी नहीं हूँ, लेकिन बहुत प्यारा रोल था इन द सेंस कि वो बोलती नहीं थी, मैं बहुत बोलती हूँ. हर चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, हर चीज़ आंसू के जरिए, खुशी भी आंसू और दुख भी आंसू. तो मैंने बचपन में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं. मेरी मम्मी डॉक्टर थी गाँव रूरल एरियाज में, तो गांव की बहुत भोली भोली औरतें उनके पास आया करती थी और मैं उनको एज अ चाइल्ड देखा करती थी. तो वो कहीं ना कहीं जहन में रह गई. तो पता नहीं कौन सी चीज़ आपको कब मुतासर कर दे और आपको लगे कि मैं ये उठा लेती हूँ. सो दैट हैपन्स, बट वो मैजिक जो है ना वो मेरे सेट पर होता है, मैं उसकी तैयारी नहीं कर पाती, पता नहीं कैसे. आई कांट. ओके, मैं फिर अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ, क्या आप अपने आप को लकी मानती हैं या यू नो द वे यू वर्क और द वे यू परफॉर्म इट इज़ लाइक बाय एवरीवन, चाहे राकेश प्रकाश मेहरा हो या जितने भी दिग्गज, जिस फिल्म का भी आप हिस्सा रहती हैं, एक बहुत बड़ी स्टारकास्ट होने के बावजूद दिव्या दत्ता की मौजूदगी मालूम पड़ती है? शुक्रिया, उसने थोड़ी मेहनत का क्रेडिट तो देंगे ना, सब किस्मत पे तो नहीं डालेंगे. मेहनत करती हूँ, मेथड नहीं यूज कर पाती. मेरी मेहनत मेरे तरीके की है, मैं उसकी जर्नी खुद बनाती. और जब मैं फिल्में ऐसी जब मैं आई थी तो मैं हर कोई चाहता है कि आप टिपिकल हीरोइन से शुरुआत करें. जो मुझे मल्टी स्टारर्स मिली जब मैं आई तो मैं बहुत बोर हो गई कि ये तो मुझे नहीं करना है. तो फिर घर पे ये बोला गया कि तुम्हें जो करना है वो तुम्हारे लिए कोई लाने वाला है क्या? तुम्हें कहा नहीं लाने वाला है, तो उसे कैसे प्रूव करोगी? तो माय मॉम सेड कि वो जो रोल्स तुम्हें ऑफर हो रहे हैं वो चाहे हीरोइन के रोल्स नहीं हैं लेकिन तुम वो लो और अपना मेटल प्रूफ करो बतौर एक्टर. तो जब वो मैं रोल लेती थी तो वो रोल खूबसूरत होता था, लेकिन मुझे होता था खुनस में कि इसको मैं और अच्छा कैसे बनाऊँ,
कि लोग इनको तो याद करें ही बल्कि मुझे भी याद रखें, तो वो कोई आसान काम नहीं है. जब आपके पास स्क्रीन स्पेस कम हो, आप उसमें लोगों के साथ वापस जाएं, वो कहीं ना कहीं फिर मेरे लिए आदत बन गई कि एक्स फैक्टर डालते रहो हर फिल्म में एंड कीप डूइंग इट. तो वो जब एक्स फैक्टर आप डालना चाहते हैं तो मैं अपने डायरेक्टर्स के साथ बहुत बैठती हूँ कि अच्छा इसको कैसे और इंटरेस्टिंग बनाएं, इसको और रिलेटेबल कैसे बनाएं. तो बड़ा ज़रूरी है कि लोग ये जानें कि ये जो ये कर रही है इसको हमने या तो देखा हुआ है कहीं या ये हम में से एक है. जब ऐसी वाली खूबसूरत फीलिंग आती है तो लोग आपका काम पसंद करते हैं. आप रियल लाइफ में कैसे फन लविंग है, आपको क्या लग रहा है? थोड़ा सा जानना चाहूँगा दिव्या. आई बेसिकली अ चाइल्ड वुमन, मुझे मस्ती करना बहुत पसंद है. लोग मुझे थोड़ा सा सीरियस इमेज देते हैं क्योंकि मैं इस तरह के रोल्स करती हूँ, आई डोंट ब्लेम देम. लेकिन मतलब मैं अपने छोटे नेफ्यू की बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो उस मुताबिक आप सोच लें कि मैं क्या हरकतें करती होंगी घर में. माई ब्रदर से तुम घर पर नहीं होती तो शोर शराबा बिल्कुल नहीं होता है. सो आई एम द चैट फैक्टर एट होम, आई एम अ प्रैंकस्टर, लाइक डूइंग ऑल दोज थिंग्स. नॉर्मल चीज़ें करना बहुत पसंद है. हमारा करियर ऐसा है, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि आप अपने आप को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं. लेकिन मैं आज भी अपने घर के गेट के बाहर जाके गोलगप्पे खाना पसंद करती हूँ. लाइट होता है. आई मीन मैम फन्ने खान, इफ यू स्पीक अबाउट द फिल्म, कुछ बताइए प्लीज. मतलब ये टाइटल ही कुछ तो क्या है ये फिल्म? अगर आप नॉर्थ के लोगों से पूछे फन्ने खान तो उनके चेहरे पे यकाया की एक मुस्कुराहट आएगी. यहाँ अभी करंट जनरेशन इज ट्राइंग टू गेट जस्ट गेट द नेम राइट एंड फन्ने खान और व्हाटएवर, बट अब समझ में आ गया सबको. लेकिन ये बहुत ही फेमस टर्म है फन्ने खान, जो अपने आप को बहुत तोप समझो से फन्ने खान कहते हैं. सो व्हेन आई वाज टोल्ड दिस टाइटल आई वाज रियली हैप्पी. बहुत प्यारी सी फिल्म है, सिंपल सी फिल्म है, विच गिव्स अ वेरी स्वीट मैसेज विच सेज के सपने देखोगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे. सो यू इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रीम एंड कंटिन्यू ड्रीमिंग. एंड इट्स अ वेरी स्वीट फिल्म अबाउट अ फादर हु ड्रीम्स फॉर हिज डॉटर, और जिनकी बनती नहीं है दोनों की, और आई एम द ब्रिजिंग गैप बिटवीन द टू. सो या दैट्स हाउ इट इज. फन्ने खान की अपनी बात की, यू नो टाइटल्स, मैंने जिक्र किया टाइटल्स का, तो ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिसकी आप एक पार्ट हैं उसके, यू नो फन्ने खान तो एक है, और भी ऐसी कई, मैं पढ़ रहा था एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं आ रहे, बट ऐसी कई है जिसमें टाइटल्स ही एक अलग लेवल में, हाँ कुछ कुछ नयापन है टाइटल में, कुछ कुछ बता पाएंगे आप प्लीज इसके बारे में? तो मैं क्रेडिट नहीं ले सकती, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बाबू मोशाय बंदूक बाज बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है, जब सुना था तो वी वर ऑल लाइक स्माइलिंग. बदलापुर वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल अगेन. भाग मिल्खा भाग अगेन आई थिंक. Yeah, then there was Stanley ka Dabba, again right. A very sweet title which just so yeah, I mean ye to unka innovative directors ka innovative streak hai ki wo kaun se titles lekar aate hain. Abhi jo main kuch filmein kar rahi hu unke bhi titles bahut mazedar hain. So some of them, one is Ram Singh Chardy, again a very very sweet one. It's a film based on Sarthas. फिर एक फिल्म है मलाला के बायोपिक पे कर रही हूँ, उसका नाम है गुल मकाई. सो अगेन दैट्स अ ब्यूटीफुल टाइटल विच इज़ हर पेन नेम. एंड सो या लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग टाइटल्स, बट आई फील जस्ट लकी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म्स. ओके प्लीज कंटिन्यू सर. प्लीज आई लाइक योर केमिस्ट्री. दिव्या जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली ने कहा कि यार जो मिल रहा है वो करते जाओ आप, ठीक है. एक एक्टर की भी अपनी भूख होती है कि, और यकीनन आपने यू हैव प्रूवन योरसेल्फ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बायोपिक का दौर चल रहा है, गिवन अ चॉइस, अगर दिव्या को मौका मिले किसी एक बायोपिक का हिस्सा बनने का, तो किस किस टू पीपल प्लीज लेट अस नो. अमृता प्रीतम, अमीना कुमारी. अमृता प्रीतम इस वजह से क्योंकि साहिल लुधियानवी जी उनसे मोहब्बत करते थे, फिर उनके जैसा बच्चा भी उनको हुआ, इस वजह से नहीं. आई थिंक हर्स इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, और मुझे शायरी का वैसे ही बहुत शौक है, और मुझे लगता है दोनों ही जिंदगी में शायरी पोइट्री बहुत थी. और आई पर्सनली फील आई कैन डू अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल स्टफ विद दीस फिल्म्स. इनको जानना कहीं ना कहीं ज़रूर चाहती इन दोनों शख्सियतों को, बिकॉज बहुत कमाल की जिंदगियाँ रही हैं दोनों की. अमृता प्रीतम आई थिंक शी हैड अ ब्यूटीफुल स्टोरी, चाहे उनकी अपनी पर्सनल लाइफ हो, चाहे साहिल साहब के साथ हो, चाहे रोज़ के साथ हो, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी थी, और जो वो लिखती थी वो बाकमाल था एब्सोल्युटली. एंड देन मीना कुमारी ऑफ कोर्स, आई रेड अ लॉट ऑफ हर स्टफ एंड आई डू फील इट वाज अ वेरी
intense. It was a very lonely. It was a very difficult and yet very strong life. So I would have loved to portray that. क्या do you agree with this कि मीना कुमारी शायद एक ऐसी शख्सियत रही है इंडस्ट्री में जिनकी मोहब्बत पूरी नहीं हुई, अधूरी मोहब्बत कहा जाए? तीसरे इंसान से किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा नहीं जा सकता. मैं सिर्फ कमेंट करूंगी, वो सच होगा या गलत मुझे क्या पता. मीना कुमारी जी की जिंदगी में क्या था, आई वुडंट नो दैट. सो मैं तो तब थी भी नहीं, सो नोबडी टू कमेंट ऑन दैट. देवना एक्टर तो आप हैं, आई मीन नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर ऑफ कोर्स. इसके अलावा यू आल्सो एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ सोशल इश्यूज, यू नो, हमने कुछ न्यूज बीच में पढ़ी थी. ये किस तरह से शुरुआत हुआ इन सब चीज़ों का? या कहीं ना कहीं व्हेन आप जब सोशल मीडिया पर होते हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं और फिर आप देखते हैं कि वो आप पर कहीं ना कहीं बहुत डिपेंड करते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपको क्या लगता है. फिर आप अपने व्यूज़ धीरे धीरे वो देना शुरू करते हैं. काफ़ी सारे एक्टर्स वोकल होते हैं, काफ़ी नहीं होते, लेकिन जब उनसे बुलवाया जाता है फिर वो कहीं ना कहीं आपकी आदत बनती है कि आई लेट मी ऑल्सो गिव माई ओपिनियन आउट देयर एंड इफ इट मैटर्स. एंड व्हेन यू गिव योर ओपिनियन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आस्क यू कि आप ओपिनियन दे ही रहे हैं कि इसके बारे में कुछ कर भी रहे हैं. तो वो उस बात का झटका लगा कि यार मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि मैं कुछ कर भी रही हूँ. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि पहले कर लो, पहले उस बारे में कुछ करो, फिर उसके बारे में ओपिनियन देने का हक रखो. एंड दैट्स व्हेन पीपल विल फॉलो यू एंड डू व्हाट यू डू. सोशल मीडिया की बात की आपने, न्यूज़ कुछ तो थी, किसी ने प्रपोज कर दिया आपको सोशल मीडिया पर, वो क्या? एंड द वे यू, आई मीन योर आंसर वाज समथिंग, टेल अस समथिंग अबाउट दिस. सो आई कीप गेटिंग दीस फनी प्रपोजल्स. आई थिंक मुझे कोई सीरियस मिलता ही नहीं है प्रपोजल, या ना पर्सनल लाइफ में ना सोशल मीडिया पे. सो या आई थिंक समबडी वांटेड टू गेट मैरिड टू मी ऑन क्या बोला, भाग लेट्स रन फॉर अ डेट और समथिंग लाइक दैट. एंड द अदर पर्सन सेड आई नो यू लव मी. बेचारे को कहना था आई लव यू, तो उसने कहा आई नो यू लव मी समथिंग ऐसे, आई एम सॉरी आई डोंट नो यू वेल. सो बहुत उसे पसंद किया गया. आई थिंक थोड़ी सी मुस्कुराहट, थोड़ा सा हल्के होना, सोशल मीडिया पर हर वक्त झंडे गाड़ना ज़रूरी नहीं है, कुछ हंसी मजाक भी अच्छा लगता है. ओके, क्या किसी ग्रुप के मेंबर हैं आप, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, खास करके नॉनवेज ग्रुप के? नहीं यार, मुझे ग्रुप्स बहुत इंट्रूसिव लगते हैं. इनफैक्ट मैंने वो सब सुन लेंगे जो है, मैंने सब साइलेंट म्यूट किए हुए हैं, क्योंकि बार बार टड़ोंग टड़ोंग तो लोगे उस पे, हर एक को कुछ ना कुछ कहते रहना है और सारा दिन ही कहते रहना है, तो कितना सुनोगे आप. तो मैं एंड ऑफ द डे फिर वो ग्रुप खोलती हूँ. और नॉनवेज जोक्स जो इन जो बिटी हों वो अच्छे हैं, जो खाम खा के ग्रोस हों वो पसंद है. सो उसका क्लास होना चाहिए. Fantastic script, one of the nicest scripts I've worked on. Then there is Music Teacher, it's a love story with Manav Paul. And then there is Ram Singh Charlie, which is a film based on circus, directed by Nitin Kakkar, who's a national award winner. Then there is Arshad Varsi and Juhi Chawla's social, psychological thriller that I'm doing. Again, a kick-ass subject. And have I missed out on something? Oh, yeah, फाइनली जाता था जो ऑडियंस हमें देख रही है उनको अबाउट पन्ने का समथिंग इन योर ओन लिटिल वर्ड्स डे आफ्टर टुमॉरो इट्स गोइंग टू रिलीज. वेल आई जस्ट लाइक टू से यू बीन अ फैब फैब ऑडियंस. यू ऑलवेज गिवन मी सो मच लव फॉर व्हाटएवर आई हैव डन. खूब मेहनत की है इस फिल्म में, कुछ अलग बनी है फिल्म. और आप लोग बहुत सियाने हैं, जानते हैं किस फिल्म के लिए आप ऐसे करना चाहते हैं. तो अगर आप थिएटर्स में पाए जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू.